खुशो खुर्रम रखे। मैं आज आपके लिए एक अचार की रेसिपी लेके आई हूँ जो मुझे खुद बहुत पसंद है, और माशाल्लाह मेरे अपने गार्डन के ग्रेप्स भी इसमें जाएंगे जो मैं पहले भी अचार में डाल के यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत पसंद है, इसलिए आप सबके लिए दोबारा मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ भी की हैं, ये गाजरे हैं इनको मैंने काट लिया है, करेले हैं, और ये एक सब्जी है, नाम तो नहीं मुझे आता, शक्ल मैं आपको दिखा रही हूँ, और सॉरी मुझे नाम याद था लेकिन अब याद नहीं आ रहा ना। तो ये मिर्चे हैं, इनको भी मैंने हाफ हाफ काट लिया है, और ये कुछ मैंने गार्डन के ग्रेप्स लिए हैं, ये उसमें जाएंगे, और जो स्पाइसी जाएंगे उसमें ये मेथी दाना है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, और नहीं सौंफ है, हाफ टी स्पून हल्दी है, फुल टेबल स्पून सुरख मिर्चे हैं, और तकरीबन लेस देन टेबल स्पून से ये कलवंजी है, और ये मस्टर्ड सीड है, यानी कि जो सरसों के होते हैं सीड, वो मैंने उनको मैश कर लिया है, पाउडर फॉर्म में कर लिया है, और मैंने सरसों का ऑयल यूज़ करना है, उसको मैंने तकरीबन 1 फुल कप जो है वो मैंने अच्छी तरह गरम किया है, उसको ठंडा कर लिया है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने बनाने जा रही हूँ, सारी सब्जियाँ एक साथ जा रही हैं। ड्राई कर लिया है और इनको मैं अब इलादा कर रही हूँ टहनियों से, इसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उनसे इलादा कर रही हूँ, इसमें डालती हूँ, ये देखिए ग्रेप्स मैंने इसमें डाल दिया। और ये जो सब्जी मैंने आपसे अभी शेयर की है कि ये इंडियन शॉप से मैं ली थी, नाम मुझे याद अब नहीं आ रहा, तो आप ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप चाहें तो जो सफेद गोभी है वो भी डाल सकते हैं, और लसूड़े होते हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो ड्राई मसाले हैं वो इसमें डालने जा रही हूँ, एक फुल टेबल स्पून नमक की जाएगी, अब ये ऑयल जो मैंने सरसों का ऑयल मैंने गरम किया हुआ था वो इसमें मैंने ठंडा होने पे इसमें डाल रही हूँ, इनमें जो है अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। अब ये मेरे पास एक स्पेशल जार है उसके लिए, अचार के लिए, अब मैं इसमें सारा जो अचार है इसमें डाल दूंगी, और इसके साथ ये देखें इसके स्पून भी है, स्टिक है इसके साथ, जब हम इसको अचार को निकालेंगे तो इसके साथ ना पिक करेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप बिलीव करें कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है तो जो जो तेल होता है वो इसके नीचे चला जाता है, इस तरह ना ये नीचे बैठ जाता है, जब हम निकालेंगे इसको ऐसे ऊपर करेंगे तेल सारा नीचे चला जाएगा, और हम खाली जो है ना अचार को पिक करेंगे हमारी प्लेट में तेल जो होता है एक्स्ट्रा तेल वो नहीं आएगा। अचार मैंने इसमें सारा डाल दिया है और मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको 3 दिन के बाद इसकी असली हालत दिखाऊंगी, और ये जो 3 दिन का टाइम है इसको मैं रखूंगी कवर करके, अगर धूप निकली तो धूप में रखूंगी, लेकिन आप अंदर भी रख सकते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप रोज़ ना इसे 1-2 दफ़ा ना अच्छी तरह शेक करें ताकि जो है ना अचार जो है ना ख़राब ना होने पाए। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ 3 दिन के बाद। देखिए हमारा अचार जो है रेडी है, तकरीबन 3 दिन मैंने इसको रखा है, लेकिन 2-3 टाइम मैं इसको मिक्स करती रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंगूर जो मैंने डाला था अंगूर की वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन अचार बना है, मैंने टेस्ट किया है, खट्टा मीठा है। और ये जो सब्जी मैंने आपको दिखाई थी इसका नाम मैंने फाइंड आउट किया है, इसको नोकदार तोरी बोलते हैं, करेले की तरह होती है लेकिन करेले की तरह ये कड़वी नहीं होती, बहुत ही अच्छी होती है ये रेसिपी। अब बाकी देखें माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गया है, आप भी इस तरह बनाएं, और आई होप के
मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।